गांव में जितना धान जुटल है और जैसे हमर से बड़ लगा कोविड के नहीं बड़ लगा है आशीर्वाद के बाद और जैसे हमर से छोटे लगा कोहनी के आशीर्वाद दे बात माना जब भी झारखंड के 81 विधानसभा में बागमारा सरिया बेरमो जब भी इला के जिक्र भगवान तो एगो तस्वीर सामने आवे कि खनिज संपदा से परिपूर्ण विधानसभा जगह जमीन के तल में अभाव खनिज संपदा लेकिन जब एक सवाल सामने आवे है कि आखिर उस खनिज संपदा के मालकियत के दरबार आज 23 साल भाई के लिए झारखंड राज्य अलग हलवा आज भी झारखंड के आदमी दर बदर के ठोकर खा रहा है आज भी वो पलायन पर विवश है आज भी ओकरा विस्थापित के मार झेलक पड़ रहा है लेकिन आज भी ओकर खनिज संपदा पे विस्थापन के नीति पे कंपनी एक्ट पे माइंस एक्ट पे कोई चर्चा करे के जिम्मेवारी नहीं है तो कहीं ना कहीं आज 23 साल के बाद अगर झारखंड में बदलाव आए है तो इस बदलाव में हर किसी के सहयोग और साथ चले के दरकार है हमारी अपेक्षा रखते हैं। इस आंदोलन के जब शुरुआत होलै तो बहुत सारा बात आदमी के बात हजम नहीं होल ये वो कायल के किधर साधारण सा लड़का आज पूरा झारखंड में गांव गांव जाए के जागृति कर रहा है लोग के हक अधिकार के बात बताए रहा है संविधान के बात कह रहा है कंपनी मिनरल एक्ट आर आर पॉलिसी के बात कह रहा है तो लोग की कर ले कर एक जात के लोग एक जात के लड़का लगा एक बात कहा दिया जितना जाना कभी टिके जात के लगाना दो को जात टुकड़ रहा है यह सवाल ही है कि हमें कौन जात के लगे उठा में करना है हम की तो लड़ाई के लड़े हैं और सब जात के फायदा है कि ना इटा में अभी जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द कर है ना पढ़ल लिखल गांव लगे इटा जेएसएससी परीक्षा के पेपर लीक है तो केवल की एक जात के लड़का या लड़की के पेपर लिख है या झारखंड के तमाम जात जाति धर्म के पेपर लिख है तो नहीं अगर उत्तर दे आज हमने विस्थापन पे बात करें कि कोयला के खदान में एक जात के जमीन गले बहुत सारा जात के जमीन गले तो जब ये मुद्दा कब सामने आए तब एक पढ़ल लिखल लड़का है ये कहिए कोई सवाल के उत्तर नहीं दिए पड़ रहा है मीडिया से लेके सीडिया के भी हमारे सामने आ रहा थे कह के नहीं लड़का सवाल पे के भी नहीं करता है तो आज जब देख लें कि इसको पैसा में नहीं तोल सकते हैं इसको डरा धमका नहीं सकते हैं अखर लाचक निकाले जाति में बांटने के प्रयास है लेकिन आज तो हमी के बतवे चाहो कि लड़ाई झारखंड के जनमानस के अधिकार के लड़ाई आज कितना शर्म के बाद कितना दुख के बाद याद अगर हमने घाने बना नौतन बेटी छोड़ा बिहार भाई क्या वह है तो हमने 3 महीना चक्कर लगवा ये वीडियो ऑफिस में कि एक नाम अगर राशन कार्ड से छेड़ देता है तो 5 किलो के 4 फ्री में मिले सही बात लग याद अगर कोई नौतन बेटी छोड़ा हमने घर बिहार भाई क्या वह है तो हमने 3 महीना वीडियो ऑफिस के चक्कर काटा है काहे चक्कर काटा है ना हमने मानना है कि 5 किलो 4 अपना फ्री में मिलता है यानी झारखंड के इतना कमजोर खेल रहा है झारखंड के लोग के दिमाग के इतना कमजोर कर दिला है कि हमने के 5 किलो 4 करास है यह कोयला का कारखान और कहा लोग कारू आरू बारू यहाँ 5 लाख के कोयला खोड़ के ले जाए और हमने धूल फेंक रहा है हमने धूल फेंक रहा है कितना शर्म के बाद नहीं लगा हम सुन ले कोनो कारू आरू बारू नाम है गजब की नाम लगा कितना शर्म के बाद नहीं लगा ओकर दहिया में अगर जान है तो हमारे दहिया बेदान लगेगी ओकर दहिया खून है तो हमारे दहिया पानी है जी ये तो नहीं बताओ तो नहीं एक बात बताओ कितना शर्म के बाद कि जमीन हमारा राजा पराजा के जमीन ये जमीन आज 4000 साल से हमारे कई पीढ़ी चलाए पड़लाए खेलाए और आज कोई एक आदमी दबंग नहीं कर के यहाँ अगर रंगदारी करता है तो कहीं ना कहीं हमी के सवाल करना चाहे कि सच में हमी रगों में खून है या पानी है ये सवाल करता है कोयला हमार जमीन में खेत उजड़ले हमार धार उजड़ले हमार गांव उजड़ले हमार
बीमारी मिल रही हमारा, भुखमरी मिल रही हमारा, पलायन मिल रही हमारा, विस्थापन मिल रही हमारा, आप खत्म कर दे वहां से बात कितने मंजूर नहीं करे क्या बात कर दुर्भाग्य की बात है। अगर डरने तो डरे तो याद रख ले, अगर ना डरने तो क्यों ना डरे तो। आज हमें अपन को छोटा सा उदाहरण दियो, है बोकारो जिला में एक आईएएस के पत्नी 1,17,000 के पेमेंट उठवा। हम सीधे मीडिया के सामने सवाल कर ले, घर को एप्लीकेशन नंबर देखना है, लास्ट आईएएस ने की खा ले बताओ। इस लड़का का शरीर में डर नहीं है, ये केस मुकदमा से नहीं डरता है, लास्ट अपन बहुत खुद चले आपको नौकरी नहीं करना होगा, ये लड़का पंगा कर देगा। एक आईएएस हम जयपुर में खड़ा कर दिलिए, एक आईएएस लेवल के व्यक्ति अपना जयपुर में खड़ा कर दिलिए। अब तो नहीं है वो समानदार माफिया से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, अभी अपन बापे झारखंड में दुर्भाग्य के बाद। अरे कैसे ऐसे भी तो जान जाए रहो, रोड में कभी एक्सीडेंट भाई के जान जाओ, कभी ट्रेन में तो कभी ट्रेन से, कभी नदी नाला डूब के, कभी गाढ़ा डूब के, कभी बीमारी से, कभी सिगरेट से, कभी कैंसर से, कभी महुआ से, जान तो ऐसे जा रहा हो। अगर जान जाए रहा हो तो कोयला के खदान में कब्जा करे खातिर जान दे तो बात ठीक है, जान तो ऐसे जा रहा हो। जान तो जीवे कर दो, जिंदगी एक पानी है, जान तो एक दिन जानी है, जिंदगी एक पानी है, जान तो एक दिन जानी है, हिम्मत कई गवानी है, सरदार जो दिल में ठानी है। पहाड़ी जगह जगह राजा की कितना लोग था जो भगत सिंह के चाह के फिर जन्म ले वो आवे, कितना लोग चाह की भगत सिंह फिर आवे, अच्छा कितना लोग चाह की भगत सिंह तोर घर जन्म ले, कहे मानसिकता है कतरीला कि दबंग माफिया अपने पास चाहे गए कि हमने भगत सिंह के सब पसंद करा, लेकिन भैया मेरा नहीं पड़ोसी का बेटा भगत सिंह बने, मेरा बेटा मास्टर वकील बने, हमको टेंशन नहीं लेना है, टेंशन के चलते आज यह आपकी को बता भाई। कभी देखिए हमारे भाषण सुना लगा, हम मजबूरी में बात कह लिए कि कोयलांचल में जे जे लौट रहे हैं, हम तो हमारे दोनों है तीसरा पैदा करिए माफिया के तो है लड़को, ये बात हम कह लिए कि हम तो हमारे दोनों ही एक एक्स्ट्रा पैदा करिए, और अपना राशन कार्ड वोटर कार्ड एडमिट कार्ड में नाम नहीं रहते, अपना रोज राम की खाली एक बार दुनिया घूरिए, अरे कोयला खदान गला देखिए, अरे इतने कहिए कि गला कभी तो बाप आ जाकर प्रॉपर्टी लग लो आज सब चीज के अधिकार कर, आज अपन अधिकार के लड़ा को आज अगर चुपचाप हो गया, आज अगर खामोश भाई गल तो हमने पीढ़िया तो पार भाई तो, लेकिन आने वाला गिद्रोहन जो हो तो अपनी पीढ़िया बहुत दुखदारी में तो इस बात के याद रखिया, नहीं बता ना यार जगह यहाँ जमीन है और कहाँ लग करोड़पति, कहाँ लग अरबपति, तो अगर 50 को है बाप, अगर 100 को है बाप, और जगह बाप एक भैया कनारी बाइन के चल तो लोग के लिए यहाँ साइकिल लेके ठेला तो भाई रे सोना सारे। इसलिए आज दोनों के बीच एक संदेश एक पैगाम ले गयो, इस राज्य के दिशा दशा के बदलना है, आज अपर खातिर अभी आंदोलन समर्पण की जरूरत है, आज लड़ाई दो प्रकार के है, एक लड़ाई सड़क में, एक लड़ाई सदन में, कानून के देश लगाए यानी जहाँ कानून बना है, जब कोल एक्ट में चर्चा करते है, जब माइंड एक्ट, कंपनी एक्ट, रिप्लेसमेंट एक्ट जब में चर्चा करता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट व्यवहार से खातिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट सोच समझ के देना चाहिए, इसलिए हमारे नीति के चर्चा में आज हमने 500 टका ले ला था, आधे माई कहीं रहा कहते हैं जब 500 टका ले फ्री में चलिए कहते आप सांसद थे दबंग से तोरे लड़ रहा, सांसद खड़ा हुए तो दबंग लगो कहा लगी, सांसद प्राइम मिनिस्टर के बगल में बैठा है, इतना इतना दगम रोज पैदा हो गया ठिक के ढक्कन ठिक के मर जाए, अगर एमपी डायरेक्ट खड़ा हो इतना ही दबंग के लिए काम नहीं आए के बता कौन दबंग के हिम्मत चले हमारे से पंगा लेते, लेकिन एमपी के हमने पैसा से वोट दे लिए, एमपी के हमने धर्म के नाम पे वोट दे लिए, एमपी के हमने दिल्ली देख के वोट दे लिए, अब बता दिल्ली देख के वोट दे तो मधुबन थाना में थोड़ी तरह फोन घूमे तो दिल्ली वाला नहीं तो बताओ दिल्ली वाला है तो एमपी काबिलियत दे देना चाहिए। आज हमने माननीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी हमने वर्तमान सांसद लगे कितना प्यार से वोट दे दिए, कितना दुलार से वोट दे दिए, 6,47,000 वोट दे दिए,
कि लगवाए हमारे बारे सोचते है, हमारे चिंता हमारे फिकिर करता है, लेकिन ओकरा कभी हमारे चिंता ना आए। वो की कर रहा है, पहले तुमने थाईलैंड में ना कहा कंपनी चलाए और फिर न्याय कहा फैक्ट्री खोल रहा है और नाम से ताऊ मन नहीं भर रहा है, अपन पत्नी के रामगढ़ से विधायक बना दिला है और हम जय मोदी हर मोदी के द्वारा। अरे ठीक है, मोदी से कोई शिकायत थोड़ी है, तो मोदी के नाम पे मोदी जी नाम जी कहा ना अगर घास तो गिरा पुत्र ना है बाहर है वहाँ 10,000 करोड़ के मालिक 50,000 करोड़ के मालिक अगर अपना नाम से जुटाई था तो दुर्भाग्य की बात। हमने बागमारा की विधायक के 3 बजे जुटाई था, सोच लिए यहो लगो अपन लगे तो अपन गोटिया बलिहान के लगे यहो कुछ करते है, लेकिन लास्ट यहो कर ले पूरा हिते हमने प्रॉपर्टी बने लाए एक कचरा याद लाए अपन सवाल के अभी मालिक नहीं गलाए 2 करोड़ के प्रॉपर्टी हाय भी सोना था। गलत बोल रहे हो, यदि नेता होना चाहिए तो भारत देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जैसा होना चाहिए। ये राष्ट्रपति अलग अपन राष्ट्रपति पीरियड के सारा पैसा एक ट्रस्ट के बांध करके चल गया है। हम अपने के कह चाहबे कि अगर सच में क्योंकि अपने धार्मिक क्यों ना कि हम तो धार्मिक लगे। अरे भाई तो धर्म के मतलब क्या है, बुझाए दे, चल हम बुझाए दे। देश के महान संत स्वामी विवेकानंद ने एक बात कहा थे, देश के महान संत स्वामी विवेकानंद ने एक बात कहा है कि यदि आप भगवान को 56 प्रकार का भोग चढ़ा रहे हैं और बगल में पड़ोसी का बच्चा भूख से रो रहा है तो आप पुण्य के नहीं पाप के भागी हैं। विधायक सांसद से पूछिए कि बागमारा के पढ़ल लिखल किधर बेरोजगारी से तंग आ गया है और तोर बेटा 2 करोड़ के मालिक लगभग बड़का धार्मिक बने हैं। धर्म के मतलब हमारा सीखे में अगर तो धार्मिक लगे तो चल एक काम कर, धर्म के एक काम लगे दान देना, दान देना धर्म लगे ना, दान देना हर एक घर में चाहे सनातन के मान इस्लाम के मान सिख धर्म के मान हर एक घर में दान दिए के बात है। तो चल विधायक चल सांसद अगर तुम धार्मिक लगे तो एक काम कर, सुने मैं तो यहाँ 10,000 करोड़ के प्रॉपर्टी हो, 1,000 करोड़ रह गए बाकी 9,000 करोड़ दान के दे तो धार्मिक मान लो धर्म के बात है। आप तो एक सवाल कि धर्म के मामले में स्वामी विवेकानंद के सपोर्ट करना चाहे कि विधायक सांसद सब सनातन माने वाला से सवाल कि अगर आप धार्मिक हैं तो आपको हम एक को चुनने कहेंगे कि विधायक सांसद एक को चुनिए दोनों में से, या आप स्वामी विवेकानंद किसको धार्मिक मानते हैं? अगर स्वामी विवेकानंद को मानते हैं तो ये बात हमने याद रखेंगे कि धर्म के नाम पे मंदिर मस्जिद के नाम में वोट मांगेंगे कि यदि आप भगवान को 56 भोग लगा रहे हैं और पड़ोस का बच्चा भूख से रो रहा है आप पुण्य नहीं पाप के भागी हैं, इस सवाल जरूर करिए। बाहर है आज बागमारा में गरीबी, आज बागमारा में पलायन, आज बागमारा में विस्थापन, आज बागमारा में बेरोजगारी, आज बागमारा में प्रदूषण, आज बागमारा में बीमारी महामारी आप कहें अगर चपेट के 1,000 करोड़ का गोले के रख में सवाल भी वे तो बवाल भी वे तो हम बात के लिए तकलीफ है। इसलिए एक बात याद रखा, मत तो हर मौत सबसे ताकतवर लगो, आज के डेट में लाठी डंडा से कोई नहीं लड़ता है, आज के डेट में मत पर सबसे पावरफुल लगो, अपन मत के प्रयोग करे तो और खास करिए जितना हमारे बाय मोदी हाँ हमारे दीदी सर हमारे भौजी साहब कोहनी से एक बात कह चाहो क्योंकि आज भी टोनी वोट के अभी राजनीति बताए कि मेहरारू वोट के बारे जानना नहीं करो खाली गरीब उठ के जानो हो। एक बात तोहनी बताओ कि तोहनी के सोना चांदी पसंद हो या सम्मान, तू में अगर एवं चीज मिल तो सम्मान या सोना चांदी एवं चुनना की चुनवा, नारी शक्ति के लिए सवाल है सोना चांदी की सम्मान सम्मान। अब मेरा बात सुनिए, एक नारी को सम्मान कहाँ से मिला है क्या आपको जानकारी है? क्या आज से 30, 40, 50 साल पहले ऐसा व्यवस्था हलाय कि मर्द के बीच में मेहरारू मीटिंग सुने का हलाय ना हलाई व्यवस्था? यानी नारी के सम्मान 2 कारण से मिलल है, पहला कारण एजुकेशन पढ़ाई लिखाई, जब पढ़ाई लिखाई के दौर है
जब पढ़ाई लिखाई के जमाना आयल है तो नारी की बनल बताओ, डॉक्टर बनल, इंजीनियर बनल, वकील बनल, रेल भी चल एरोप्लेन भी चल एजुकेशन के पावर है। दूसरा बदलाव का पहले बताओ, जब वोट के टाइम में अरे थोड़ी पंचायत के मुखिया के मैं बहुत सारा मेहरारू सब है सरपंच यदि सोच के देखा तो हर पंचायत के सरपंच एक महिला लगो कहाँ से वोट के कारण। यदि वोट के ताकत ना रहता है, यदि वोट के शक्ति ना रहता है तो बताओ मुखिया बगल के कुर्सियां सरपंच के लगता है मेहरारू बैठ चल इतना हिम्मत है ना है। अभी मोदी जी दो दिन पहले आए थे, मोदी जी लगते देश के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री मैंने जितना मंत्री संतरी ओकर हेड लग ओकर बोस लग जितना विधायक जितना सांसद ओकर सबकर बोस के लगो प्रधानमंत्री यानी बहुत बड़े लोग लगो, गृह मंत्री से ऊपर हो, रेल मंत्री, कोयला मंत्री।